नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। मैं हूं सनी, लेकिन उसके पहले मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन। और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं द बायोग्राफर चैनल पे। तो आज का चर्चा शुरू करते हैं श्री भद्रेश के शाह NIA इंजीनियरिंग के AIA इंजीनियरिंग के संस्थापक और प्रबंध निर्देशक हैं, जो दुनिया में दूसरे सबसे बड़े हाई क्रोम कास्टिंग निर्माता है। AIA इंजीनियरिंग एक विश्व स्तर पर प्रशासित धातु कर्म उत्पाद कंपनी है, जो उद्योग में धातु कास्टिंग के डिजाइन, विकास, निर्माण, स्थापना और सर्विसिंग में माहिर है। 2013 में IIT कानपुर ने उन्हें उद्यमशीलता उत्कृष्टता के लिए विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री बी के शाह ने बीटेक 1974 में IIT कानपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 1976 में अपना उद्यम शुरू करने के इच्छुक उन्होंने अपने पिता से बैंक ऋण और वित्तीय सहायता से एक फाउंड्री स्थापित की। खराब उत्पाद गुणवत्ता के कारण कंप्रेसर निर्माताओं और कपड़ा इकाइयों को धातु की ढलाई की आपूर्ति करने का उनका पहला प्रयास विफल हो गया। व्यावहारिक होने के कारण उन्होंने एक तर्क संगीत दृष्टिकोण अपनाया और अपनी व्यावसायिक योजनाओं को बदल दिया। 1977 में उन्होंने बिजली संयंत्रों की प्रतिस्थापना घटकों की आपूर्ति शुरू कर दी। 2 साल बाद उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी में अहमदाबाद इंडक्शन एलॉय AIA नाम की एक कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने बिजली संयंत्र के लिए स्टील, मिश्र धातु और आयरन कास्टिंग का निर्माण किया। जैसे जैसे राजस्व बढ़ने लगा, श्री शाह ने अपनी कंपनी की तकनीकी क्षमता से सुधार के लिए अगला कदम उठाया और 1988 में बेल्जियम कंसल्टेंसी फर्म स्लिकटेन SA के साथ करार किया। ये कंपनी के विकास में एक प्रमुख मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने संयुक्त उद्यमों का नेतृत्व किया। जिस कंपनी ने पहले AIA के साथ गठजोड़ को ठुकरा दिया था, उसने सहयोग के लिए श्री शाह से संपर्क किया। दुनिया के अग्रणी उद्योग उपकरण आपूर्तिकर्ता मैंगोटेक्स ने AIA मैंगोटॉक्स नामक एक निगमन बनाने का सुझाव दिया। हालांकि उनके दोस्त ने एक महीने के बाद व्यापार साझेदारी से बाहर निकलने का विकल्प चुना। श्री शाह और बड़े और AIA मैंगोटेक्स के साथ AIA को एकजुट किया। हालांकि व्यवस्था योजना के अनुसार काम नहीं कर पाई और भागीदारों के बीच कानूनी संघर्ष हुआ। इस मुद्दे को अटक श्री शाह द्वारा मैंगोटेक्स से भारतीय इकाई में हिस्सेदारी वापस खरीदने के साथ हल किया गया था। उन्होंने भारतीय इकाई का नाम बदलकर AIA इंजीनियरिंग कर दिया और भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने कंपनी के पुनर्निर्माण में अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की और धीरे धीरे दुनिया भर में अपने व्यापार नेटवर्क का विस्तार किया। दोस्तों की कुछ मदद से उन्होंने लंदन में एक सहायक कंपनी खोली और अपने उत्पादों की मार्केटिंग शुरू कर दी। 2008 में उन्होंने बिजली और सीमेंट उद्योगों के अलावा खनन क्षेत्र को और विस्तार के लिए टैप करने का फैसला किया।
वर्तमान में AIA के पास अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलोर और त्रिची में 4 कारखाने हैं। कंपनी का 2/3 राजस्व निर्यात के माध्यम से उत्पन्न होता है। वो हर साल 15-20% की विकास दर की उम्मीद करता है। फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट की अधिकांश यूरोप पर जीत से प्रेरित होकर वह विदेशों में अपना व्यवसाय विकसित करने का इरादा रखता है। AIA इंजीनियरिंग NSE AIA ENG वर्ष 1991 में स्थापित एक प्रमाणित ISO 9001 कंपनी है, जो उच्च क्रोमियम पहनने, सीमेंट खनन और थर्मल बिजली उत्पादन उद्योग में इस्तेमाल होने वाले जंग और घर्षण प्रतिरोधक कास्टिंग के डिजाइन, विकास, निर्माण, स्थापना और सर्विसिंग में माहिर है। वेगा इंडस्ट्रीज AIA इंजीनियरिंग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो विशेष रूप से अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है। दुनिया भर में अपने कार्यालयों से ग्राहकों को ग्राहक सहायता और तकनीकी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी का दर्शन ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के तकनीकी मूल्यांकन के माध्यम से अनुकूलित समाधान प्रदान करता है, जिससे आवेदन के लिए आदर्श धातु विज्ञान में विशेष रूप से डिजाइन किया गए समाधान प्रदान किए जाते हैं। साथ ही दुनिया भर में प्रक्रिया अनुकूलन सेवाओं की पेशकश की जाती है। इस दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप समूह आज वैश्विक समाधान प्रदान करने वाली एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के साथ अपने क्षेत्र में गुणवत्ता, सेवा और नवाचार के लिए अग्रणी कंपनी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें AIA इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल के बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ताकि दूसरों को भी देखने का मौका मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।